आंखों में बड़ा सपना सजोकर बड़े शहरों का रुख करना और वहां पर सफलता न मिलने पर गलत लत पकड़ लेना, लगभग ये एक फिल्मी स्टोरी की लाइन लगती है, लेकिन ऐसा कोई ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं बल्कि एक हकीकत है। नमस्कार, मैं नीलेश और न्यूज़बाजी में आज एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी घटना की चर्चा जो आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ा है। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी है अवंती विहार, वहाँ की रहने वाली हैं सीमा सच्चर। सीमा सच्चर 28 मई को तेलीबांधा थाने पहुँचती हैं। उनके हाथ में एक पैकेट होता है, पैकेट में एक जो पार्सल के माध्यम से उनके पास, वो अलग अलग डाक पार्सल के माध्यम से उनके पास वो पैकेट पहुँचता है। उसमें उनको वो पैकेट संदिग्ध इसलिए लगता है क्योंकि उस पर मैक्सिको की टिकट, मैक्सिको डाक की टिकट लगी होती है, मैक्सिको की, और उनके जान पहचान वालों में या कोई ऐसे रिश्तेदारों में कोई मैक्सिको में नहीं रहता है। तो उनको लगता है कि मैक्सिको से आखिर उनके पास कोई क्या भेजा होगा, और मैक्सिको में जब कोई है ही नहीं तो वहाँ से क्या भेजा होगा, उनको संदिग्ध लगता है। और ऐसा पहली दफ़ा नहीं था कि उनके घर में मैक्सिको से कोई पार्सल आया हो, लेकिन इससे पहले जब तक, जब भी मैक्सिको के पार्सल आए तो उनको रिसीव करना और उसको पार्सल को खोलने का काम सीमा सच्चर का बेटा यश सच्चर करता था। अब यश सच्चर की जो जो सब्जेक्ट है मेन, यश सच्चर इस मामले में, वो अभी 26 वर्ष उनकी एज है और फिलहाल नशा मुक्ति केंद्र रायपुर में ही उनका इलाज चल रहा है। सीमा सच्चर को शक इसीलिए होता है कि पार्सल जो है वो उसमें कुछ संदिग्ध वस्तु है, क्योंकि उनके बेटे द्वारा बार बार मैक्सिको से कोई पार्सल अगर मंगाया जाता था तो जब भी वो पूछती थी कि क्या इसमें क्या है, तो उनका बेटा उसको खोलने ही नहीं देता था, उनको नहीं खोलने देता था और लेकर चला जाता था, अकेले में खोलता था या फिर उसके बाद तमाम चीज़ें होती थी। तो सीमा सच्चर लेकर आती है पार्सल रायपुर तेलीबांधा थाने में 28 मई को। पुलिस के सामने जब वो पार्सल खुलता है तो उसमें से निकलती है ड्रग्स। पुलिस उसका वजन करती है तो उसमें 0.67 ग्राम ड्रग्स रहती है। ड्रग्स का जांच में जो पता चला पुलिस को कि ड्रग्स जो कौन सी ड्रग्स है, तो मैजिक मशरूम साइक्लोसिन ड्रग्स पुलिस ने उसे बताया, जिसकी भारतीय बाजार में कीमत जो 0.67 ग्राम है उसकी कीमत 10,000 रुपये भारतीय मार्केट के हिसाब से आंकी गई है। तो ये पूरे मामले में एक तो सबसे बड़ा जो हैरान करने वाला मामला था कि एक माँ अपने बेटे के खिलाफ जो पार्सल लेके आता है वो थाने पहुंच जाती है। आमतौर पर ऐसी एक आम धारणा है कि माँ जो है वो अपने, उनका बच्चा कितना भी गलत काम करता हो, कितना भी बुरा कुछ करता हो, लेकिन वो हरदम उसके सपोर्टिव में रहती हैं, उसके खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं करने जाती, उसके खिलाफ कुछ, हालांकि ये पहला उदाहरण नहीं है, लेकिन ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं, जब कोई माँ अपने बेटे के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती हो, हालांकि इसके पीछे भी उनकी मंशा जो है वो अपने बेटे के भलाई की ही है। वो पहुंचती है थाने और अपने बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराती है इस पूरे मामले में, ड्रग्स लेने के मामले में। पुलिस भी जो है वो धारा 23A नारकोटिक्स एक्ट के तहत सीमा सच्चर के बेटे यश सच्चर से के खिलाफ केस दर्ज कर लिए और उन नशा मुक्ति केंद्र में फिलहाल यश सच्चर का इलाज चल रहा है। वो नशे के इतने आदि हो गए हैं कि बताया जा रहा है कि वो कई सारी ऐसी गतिविधियां करते हैं जो नशे के होने की वजह से वो सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसलिए उनका इलाज चल रहा है। तो पुलिस भी जब वो उनका इलाज पूरा हो जाएगा नशा मुक्ति केंद्र से, उसके बाद पूछताछ करने की बात कह रही है। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ड्रग्स मैक्सिको से भारत, वो भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक पहुंच जाता है, और तमाम एजेंसियां जो इन सब नारकोटिक्स एक्ट के जो मामले में जो काम करती हैं, इसीलिए इनके इनकी जिम्मेदारी यही होती है कि अगर कोई इस तरह के पार्सल आ रहे हों, कुछ इस तरह के कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तुएं आ रही हैं, उनको पकड़ लेना। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट, फिर उसके बाद तमाम माध्यमों से जिस भी तरीके से ये पार्सल आया हो मैक्सिको से, जो भी माध्यम रहा हो, क्या कहीं पे भी ऐसा बैरियर नहीं मिला जहाँ पे इसके संदिग्ध होने का पता लगता या इसको रोका जाता? और चूंकि ये पहला मामला भी नहीं है, सवाल इसलिए भी और गंभीर है कि ये पहला मामला नहीं है जब सीमा सच्चर के घर ये पैकेट आया है। इसके पहले भी तमाम बार पैकेट आ चुके हैं, जैसा कि सीमा सच्चर ने खुद पुलिस को बताया।
तो क्या कोई ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो पैकेट जो ड्रग सप्लाई का काम कर रहा है ऑनलाइन, उसके माध्यम से ऑनलाइन पार्सल्स के थ्रू उसको भेज रहा है, वो गिरोह क्या रायपुर में भी एक्टिव है, छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव है और आम तरफ से लोगों को पहुंचाया जा रहा है? क्या सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश में अब इतना आम हो गया है ड्रग्स मंगाना कि कोई घर बैठे ऑर्डर करे और आपके यहाँ ड्रग्स पहुंच जाए और ये पहुंच रही है? इन तमाम सवाल लगातार उठते रहे हैं। फिलहाल सीमा सच्चर को इस पूरी जब घटना हुई तो सीमा सच्चर की इस मामले में काफी तारीफ की जा रही है और लोग इनके प्रति लिख भी रहे हैं कि एक ऐसी माँ जो अपने बेटे के खिलाफ ही कार्रवाई करानी चाहती हूँ अगर उसकी बुरी आदत है। इस पूरे मामले में सिविल लाइन रायपुर सिविल लाइन के CSP मनोज ध्रुव ने मीडिया से बात की, उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं। प्रार्थिया ने अवंती विहार निवासी के द्वारा बताया गया कि उनके पास कुछ सामान आया है जिसमें मेक्सिको देश का टिकट लगा हुआ है जिसमें कुछ ऐसा साइकोट्रॉपिक सामान उसमें उपलब्ध है, जिसमें गवाहों के साथ में तलाशी वगैरह किया गया जिसमें से वो मैजिक मशरूम जिसको लोकल नाम में बोला जाता है उस प्रकार का कुछ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होना पाया गया है, जिसमें से NTPC की धारा 23A के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है। अभी तक जो प्राथमिक जांच हमारे पास आई है कि जो उनके पास लिफाफा आया हुआ है डाक के माध्यम से उसमें मैक्सिको देश का टिकट वगैरह लगा हुआ है, इसमें तस्दीक की जा रही है, डाक विभाग से इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी लिया जाएगा। मैं यस सच्चर की थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ, मैं शायद वीडियो में पहले आपको नहीं बता पाया तो इसकी एक जानकारी दे दूँ। सीमा सच्चर ने जो पुलिस को बताया है उसके मुताबिक यस सच्चर जो है वो उनको गायकी का शौक था, सिंगिंग का शौक था और उसको अपना करियर बनाने के लिए पहले पुणे फिर मुंबई गए, वहाँ पे कुछ दिन रहे, उन्होंने कुछ साल गुजारा वहाँ, सिंगिंग तो नहीं सीख पाए वो लेकिन ड्रगिस्ट वहीं से बने, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है कि वहीं से उनको ड्रग की लत लगी, बुरी लत लगी और इस कदर लत लगी कि वो फिर मतलब ये जो फिल्मों में हम देखते हैं कि ड्रग्स के लिए कैसे कोई पागल सा हो जाता है, कोई एकदम बेताब रहता है कि उसे ड्रग्स मिले नहीं मिलने पर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लगभग बताया जाता है कि ऐसी कोई स्थिति ही उनके साथ बन गई थी, इसलिए वो नशा मुक्ति केंद्र उनको भेजा गया और वो ऑनलाइन ड्रग्स मंगाया करते थे। इसके अलावा हो सकता है जब जाँच हो तो कुछ और खुलासे भी हों कि ड्रग्स की सप्लाई और भी किसी थ्रू भी उनके तक आती रही हो। अब रही बात यह कि मैक्सिको से ड्रग्स सप्लाई हो जाती है, बड़ा सवाल ये उठता है तो वो मैक्सिको में वो कॉन्टेक्ट पर्सन कौन था जो अब जांच में हो सकता है पुलिस को पता चले या जांच बढ़े तब कुछ खुलासा हो कि मैक्सिको से सप्लाई करने वाला कौन है, क्या भारत में और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में रायपुर में भी ऐसे कुछ लोग पेडलर सक्रिय हैं, हालांकि पहले भी ऐसी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, पेडलर पकड़े जा चुके हैं कई सारे ड्रग्स के मामले में भिलाई रायपुर और दूसरे शहरों से, क्या अब भी वो पेडलर जो है ड्रग सप्लायर जो है वो सक्रिय हैं तो किस कदर से सक्रिय हैं, क्या उनको कोई संरक्षण में सक्रियता है उनकी, क्योंकि सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जब विदेश से ड्रग्स पार्सल के माध्यम से आपके घर में सप्लाई कर दी जाती है और तमाम जो इंटेलिजेंस हैं तमाम जो एजेंसियां हैं कुछ साल से इस ये मामले तो इतने ज्यादा हाईलाइट रहे हैं, तमाम कार्रवाइयां आपको याद होगा कि शाहरुख खान के बेटे के ऊपर भी नार्कोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी मुंबई में और वो इतना प्रचलित हुआ तो मामला, जबकि उनके पास से ड्रग्स जो बाद में आया कि शाहरुख खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी, उनके बेटे के पास से माफ करिएगा ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी बल्कि ड्रग्स उनके साथ कोई उस पूरी भीड़ में खड़ा था जो जहां वो खड़े थे इस मामले में उनके ऊपर कार्रवाई हुई, तो ये मामला तो इतना प्रचलित था तो क्या छत्तीसगढ़ या रायपुर या छोटे शहरों में इस तरह से आम तरीके से ड्रग्स आ जा रही है और एजेंसियों को पता ही नहीं लग रहा है या पता लग रहा है तो वो कार्रवाई ही नहीं कर रही है, ये तमाम सवाल इस मामले में उठ रहे हैं। मुझे लगा कि ये जानकारी आपको देनी चाहिए और एक तरह से सतर्क भी करना चाहिए आपको कि आपके घर में अगर कोई पार्सल आ रहा है, आपके घर का कोई भी उस पार्सल को लेकर इतना पजेसिव है कि आपको छूने तक नहीं दे रहा है, आपको उसको खोलने से मना कर रहा है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, हो सकता उसकी जाँच करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि अगर इस पार्सल में क्या है, ऐसी क्या बात है जो आप बताना नहीं चाहते हो, पार्सल में ऐसी कौन सी वस्तु है जो दिखाना नहीं चाहते हो, क्योंकि सीमा सच्चर का एक जो मामला आया है रायपुर का उन्होंने इस बात को बताया कि बार बार पार्सल आ रहा था और उनका बेटा नहीं उसको छूने दे रहा था या उसको उनको उसको पसंद नहीं था कि उसको लोगों के सामने खोले, वो अलग से ले जाकर खोल रहा था। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़बाजी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, हमारी भी कोशिश है कि हम तमाम खबरें आप तक पहुँचाएँ।
अगर आपके पास ऐसी कोई खबर है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा newsbaji.editor@gmail.com पर भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.newsbaji.com को भी आप फॉलो कर सकते हैं।